तो दोस्तों भारत का सबसे फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे दैट मींस मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, इसका एक्चुअली फर्स्ट फेज जो उद्घाटन हुआ था रिसेंटली आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 520 किलोमीटर लंबा नागपुर शिरडी स्ट्रेच का इनॉग्रेशन किया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब काफी सारे हादसे निकलने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलगांव में जो स्ट्रेच है यहाँ पर मंकी स्किल हो गए, फिर उसके बाद काफी वीडियोस भी वायरल हो गए जहां पर बुलक कार्ड्स ये एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे। हालांकि ये पूरी तरह से बैंड है, यहां पर इन्हें अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें उस टाइम रोकने वाला कोई नहीं था। फिर उसके बाद यहां पर सबसे बड़ा इंसिडेंट तो तब हुआ जब स्विफ्ट कार के साथ यहां पर एक काफी बड़ा हादसा हो गया। पूरी घटना दरअसल ऐसी हुई कि स्विफ्ट कार के जो ऑक्यूपेंट थे बेसिकली ये टोल पे कर रहे थे ऑन टोल बूथ, लेकिन उसके पीछे से तेज रफ्तार में मर्सिडीज बेंज आ गई और ऑफ कोर्स यहां पर जो स्पीड लिमिट है वो भी काफी हाई है 120 किलोमीटर पर आवर, जिसके चलते तेज रफ्तार से आ रही ये मर्सिडीज ने अपना कंट्रोल खो दिया और फाइनली स्विफ्ट को टक्कर मार दी। हालांकि इस पर एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो तो डियर के मामले और ऐसे तमाम सारे वाइल्ड लाइफ के यहां सामने बढ़ते जा रहे हैं। ऑलरेडी वैसे MSRDC ने कहा है कि उन्होंने काफी सारे अब सफिशियंट वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन मेजर्स लिए हैं इस एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए, बट इसके बावजूद भी ये सिचुएशन आ पड़ी है। इसे सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर सर्विलियंस को बेसिकली बढ़ाया जा सकता है और कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए जा सकते हैं, जैसे कि बुलक कार्ड ये एक्सप्रेसवे पे ना एंटर करे, इस पर कुछ काम किया जाए। फिर ब्लैक स्पॉट्स अभी जो डेवलप होते जा रहे हैं जल्द से जल्द जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं इन्हें भी फटाक से रेक्टिफाई कर दिया जाए, सो दैट फ्यूचर में जो भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फिर उनकी पॉसिबिलिटी है उसे हम पूरी तरह से खत्म कर सके। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।